अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी रसमलाई, और इसकी मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए आज आप लोगों को रसमलाई सिखाऊंगी। और इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले आप उनको नोट डाउन कर लें। रसमलाई बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप चीनी, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, फ्रेश या बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 लीटर फुल फैट दूध यानी कि मिल्क, और 4 कप पानी। इसकी मलाई तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून बादाम क्रश किए हुए, 1 टेबल स्पून पिस्ता उसको भी क्रश कर लें, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 से 2 चुटकी ज़ाफ़रान, 3 कप फुल फैट मिल्क, और इसके अलावा 1 कैन आपको चाहिए होगा छोटा वाला कंडेंस मिल्क का। तो पहले स्टेप में सबसे पहले आप एक पैन में 1 लीटर दूध, फुल फैट दूध, उसको आप उबाल लें। इससे हम कॉटेज चीज़ तैयार करेंगे यानी कि पनीर तैयार करेंगे। साथ ही आप एक छलनी लेके उसके ऊपर चीज़ क्लॉथ रख के आप इसको सेट करके रख लें, ताकि जैसे ही पनीर तैयार हो तो ये बिल्कुल रेडी हो। दूध जैसे ही बॉयल हो जाए, आपने आंच को हल्की करके इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। अगर आप फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करें, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो लेमन का पल्प होता है वो इसमें नहीं आना चाहिए, आप उसको छान के इस्तेमाल करें। और ये आप देख सकते हैं कि स्पून बाय स्पून मैंने जैसे ही ऐड किया है, तो ये दूध जो है वो फट चुका है, बिल्कुल कर्डल हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी। यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट पनीर बिल्कुल रेडी है, इसकी मैं बॉल्स तैयार करूँगी। और ये जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर दें, और इस पनीर को आप फ्रेश वाटर से अच्छे से रिंस कर लें, ताकि लेमन का जो फ्लेवर है वो चला जाए। अब आप चारों तरफ से चीज़ क्लॉथ को अच्छे से फोल्ड करें, और जितना हो सकता है हाथ से पानी आप निकाल दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। और इसको अच्छे से टाई करके 30 मिनट्स के लिए आप इसको कहीं हैंग कर दें, ताकि इसका जो बाकी का मॉइस्चर है वो निकल जाए। सेकेंड स्टेप में इसकी मलाई तैयार करेंगे। उसके लिए एक हैवी बॉटम पैन ले लीजिए या फिर नॉनस्टिक, उसमें 3 कप दूध शामिल करके उसको आप बॉयल कर लीजिए। जैसे ही दूध बॉयल हो जाए, तो आप इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दें, और मैं इसमें अब कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो चीनी भी हसबे जायका ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क इसको बहुत ही अच्छा क्रीमी और थिक टेक्सचर देगा। साथ ही ज़ाफ़रान शामिल कर दें, साथ ही बीच में क्रश किया हुआ बादाम और पिस्ता शामिल करके इस मिक्सचर को आप हल्की आग पर इतना पकाएं कि ये 3 कप से 2 कप रह जाए। पनीर बिल्कुल तैयार है, और मेक श्योर आपने इसको 30 मिनट से ज़्यादा हैंग नहीं करना, वरना ये पनीर ड्राई हो जाएगा और रसमलाई हार्ड बनेगी। अब आप इसमें 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का शामिल करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से आपने इसको गूंदना है, और हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से मसलना है। अगर आप हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप इसको बेंच स्क्रेपर से भी कर सकते हैं। इसको अच्छा सा गूंदने के बाद अब इसकी बॉल्स तैयार करें, और कोशिश करें कि अंदाजे से ही आप एक जैसे साइज की इसकी बॉल्स तैयार कर लें। इसकी शेप में कोई फिक्स नहीं है, आपको जो शेप पसंद है आप वो बनाएं। पैटी के स्टाइल में बनाना है वैसा बना लें, राउंड बनाना चाहते हैं तो राउंड बना लें। तो इस तरह से तमाम रसमलाई के बॉल्स को तैयार कर लें। रसमलाई के तमाम बॉल्स तैयार हैं। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ऑन द अदर हैंड इसकी मलाई बिल्कुल तैयार है,
तीन कप से दो कप रह गई है और अब मैं इसका स्टोव बंद करके इसको एक साइड पे रख दूंगी। अब इसके लास्ट स्टेप में आप एक पॉट लें, उसमें 4 कप पानी ऐड करें और उसमें 1 कप चीनी शामिल करके इसको फुल आंच पे आप बॉईल कर लें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें एहतियात से 1 बाय 1 बॉल्स को शामिल करें और इसको तेज़ आंच पर ही, मेक श्योर आपने आंच को किसी भी स्टेज पे मीडियम या लो पे नहीं लाना वरना इसके बॉल्स टूट जाएंगे। और अब आपने इसको कवर करके 15 से 18 मिनट फुल आंच पे पकाना है। 17 मिनट इसको हो चुके हैं, अब मैं इन बॉल्स को निकाल लूँगी और इन्हीं के शुगर सिरप में इनको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लूँगी। अब एक डीप पैन लें, उसमें शुगर सिरप ऐड करें और इसी में रसमलाई के बॉल्स को आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडा हो जाने के बाद आप इसको आहिस्ता से स्क्वीज़ करके इसका जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है उसको भी निकाल दें और एक प्लेटर में निकाल लें। आखिर में जो मलाई पहले से तैयार करके रख ली थी उसको इसके ऊपर डाल दें अच्छे से। नट्स के साथ इसको गार्निश करके 6 से 7 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और फिर नेक्स्ट मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार रसमलाई तैयार है और स्पेशली इसकी जो मलाई है वो बहुत ही क्रीमी और रिच है फ्लेवर में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।